बुधवार को कम से कम 257 लोगों की मौत हो गई जब अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स के पास एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, राज्य मीडिया ने बताया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अल्जीयर्स और ब्लिडा शहर के बीच पॉफेरिक हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकारी रेडियो अल्गेरी के अनुसार मारे गए 10 लोग विमान चालक दल थे। यह तुरंत स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या कोई जीवित बचे थे। बुधवार की विमान दुर्घटना 2014 के बाद से सबसे खराब थी, जब 298 लोग मारे गए थे जब एक मलेशिया एयरलाइंस जेट को यूक्रेन की तरफ मार दिया गया था। विमान को बॉफेरिक से टिंडाफ जाना है और फिर बशर, जो दोनों अल्जीरिया मोरक्को सीमा पर कस्बों के लिए जाना जाता था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, अल्जीरियाई टीवी स्टेशन एनाहर ने बताया कि विमान एक सोवियत युगलोशन था और विमान के फ्यूजल से बढ़ रहे धुआं की छवियों को दिखाया। एक और झुका हुआ है विमान के शरीर से अलग विमान का हिस्सा जैतून के पेड़ से ऊपर चिपका हुआ देखा गया था। छवियों ने दर्जनों बस्तियों को जमीन पर खड़ा किया, क्योंकि पैरामेडिक्स और अग्निशामक दुर्घटना स्थल पर काम करते थे, जबकि क्रेनें कुछ मलबे के लिए चलना शुरू कर देती थीं। एक व्यक्ति ने नहर से कहा कि वह घर पर था जब वह एक विस्फोट सुना और साइट पर एक पड़ोसी के साथ चला गया, जहां उन्होंने आग बाहर निकालने और पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमने शरीर देखा, यह एक विपत्ति थी। हमें डर था कि विमान विस्फोट हो जाएगा। हमने कुछ निकायों को कवर किया और कुछ आग लगा दी। अल्जीरिया में एक स्थिरता विमानन सुरक्षा रिकॉर्ड है। 2014 में देश की वायु सेना के एक हरक्यूलस सीरन 115 वाले सदस्यों और उनके परिवारों ने अल्जीरिया के पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त होकर 77 लोगों की मौत हो गई। उसी वर्ष माली में एक एयर एल्जीरी उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जबकि बुकिना फासो और अल्जीरिया के बीच उड़ान भर रही थी। प्लॉट पर सभी 116 लोगों की मौत हो गई थी।